वेलकम फ्रेंड्स ऑन योर चैनल नॉलेज क्रैक। सो आज हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में लीनियर इक्वेशन का यूज़ होता है। कई बार ये डायरेक्ट आती है, या कई बार हम कोई क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बीच में हमें लीनियर इक्वेशन देखने को मिलती है, और इसको सॉल्व करने में हम नॉर्मल सा मेथड यूज़ करते हैं। आज हम इसको यूज़ करने के लिए कुछ बेस्ट ट्रिक्स, कुछ फास्टेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, जिनसे हम एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, राइट? एंड तक बने रहिएगा अगर आपको भी कम टाइम में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा एक बेसिक एग्जांपल के साथ में, ठीक है? तो जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, ये है आपकी 2x-3y 5 है यहाँ पर इक्वल में, देन दिस एंड दिस एंड दिस, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अगर देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि अभी तक हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, बेसिक मेथड से। तो अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत टाइम इसमें जो है खर्च हो जाएगा। सिंपली आप पहले क्या करेंगे, अगर आपको एक्स को कैंसिल करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाली इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर बाद में एक नई इक्वेशन बनेगी, फिर वहाँ से एक्स को कैंसिल करेंगे, देन आप वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पर जो भी आते हैं कॉन्स्टेंट टर्म आता है, ठीक है? फिर उसको सॉल्व करने के बाद वाई की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया एक आपका लेंथी प्रोसेस। अब मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इजी और फास्ट मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं, इस मेथड में हमें एक्स भी निकाल सकते हैं हम लोग और वाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है? दोनों ही मेथड में आप जो चाहें पहले निकाल लें, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप जो वाई है उसको आप यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू, ये होता है अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है? तो ये वाई के लिए फार्मूला होता है। अच्छा, वाई का मतलब ये है कि जो इक्वल है उसके क्लोज में जो होगा वेरिएबल उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, उसमें मैंने यहाँ पर इक्वल के क्लोज में एक्स को ले रखा है, ठीक है? ये एक्स है यहाँ पर एंड एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग सेम फार्मूला x के लिए यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है? तो ये तरीका होता है, जो भी वेरिएबल इक्वल के क्लोज है उसी को निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे अगर मैं डायरेक्ट जो इस तरफ है x की वैल्यू निकालना चाहूँ या x की वैल्यू, देखिए उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू, उसमें होता है गामा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत सारे फार्मूले लर्न करने पड़ें, तो सिंपल सा आप जो है सिर्फ y की वैल्यू निकालिए, अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगी। तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बट मैं कभी भी ये x के लिए फार्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, x वाला, ठीक है? तो ये आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ, मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा, ठीक है? आप सिंपल सा एक फार्मूला लर्न कर लीजिए y का, ठीक है? y इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये फार्मूला जो है आपको हमेशा कहीं भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है वहाँ पर हेल्प करने वाला है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यूज़ कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं, राइट? तो इसको सॉल्व करूँ मैं, तो मैंने क्या बोला कि y को हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे जो कि इक्वल के क्लोज में है, तो y के लिए सिंपली हम लोग y लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो y है ये पूरा y और इसके जो भी कोफिशियंट हैं प्लस माइनस, ये पूरा यहाँ से हम हाइड कर लेंगे, मतलब आप चाहें तो इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं ऐसे ऐसे पूरा, ठीक है? इसको छिपा देंगे, इसके ऊपर हाथ रख लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा है इसी शेप में, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है इसी शेप में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ये 5 की मल्टीप्लाई 5 से एंड 2 की मल्टीप्लाई 22 से, ठीक है? तो ये आप 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से एंड 2 की मल्टीप्लाई 22 से, कैसे होगा? देखिए 5 की मल्टीप्लाई किससे कराई हमने, 5 से, ठीक है? यानी कि यहाँ से ये 5 ले लिया, यहाँ से x का कोफिशियंट 5 ले लिया, राइट? फिर माइनस किया हमने, और अब हम किसकी कराएंगे मल्टीप्लाई
देखिए ये हो गया, इस तरीके का शेप बन रहा है ना अल्फा का। अब हम ये दूसरी तरफ से आएंगे, यानी कि ये 2 की मल्टीप्लाई 22 से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट 2 है। बस ये याद रखिएगा, एक एंड से जब मल्टीप्लाई हो जाती है फिर बीच में हम माइनस लगाते हैं, फिर दूसरे एंड से मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, ठीक है। तो ये होता है, तो अब हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, एंड 5 एंड 5 की हो चुकी है, अब 22 की 2 से हो जाएगी, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 2, राइट, ये हो गया। अब अपॉन में आएगा, तो ये तो हो गया अल्फा। अपॉन में भी हमें अल्फा देना है, लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये आप ऊपर वाला समझ चुके होंगे, ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख लूँगा अभी, क्योंकि मुझे अब कुछ और हाइड करना है, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 आप समझ चुके होंगे, माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 22 से। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपॉन अल्फा के लिए। पहले हमने ये हाइड किया था वाई वाला, तो जो निकालते हैं पहले उसका हाइड करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है ये कॉन्स्टेंट वाला जो है ये हाइड कर लेंगे इस बार में। हम पहले हमने ये हाइड किया था, अब हम ये वाला हाइड कर लेंगे। अब इसको हाइड करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करानी होगी 3 की 5 से, तो यहाँ पे 3 नहीं -3 की करानी पड़ेगी 5 से। सो -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, एंड नेक्स्ट में क्या होगा, ये अल्फा और ये अल्फा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अब कराए देंगे हम लोग यहाँ और यहाँ 2 से, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई, माइनस लिया हमने, 2 की मल्टीप्लाई करा दी 2 से, राइट। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 ज़ा 25, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 22 का 2 टाइम 44, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, 5 3 ज़ा 15 माइनस में रहेगा, एंड ये 2 2 ज़ा 4 माइनस में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 19, अगेन ऐड करेंगे माइनस का 19। सो हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ चुकी है 1, वाई की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। सपोज अगर इसमें हम वाई की वैल्यू पुट कर दें 1, तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, इस तरफ आके -2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 बचेगा इस तरफ, तो हो जाएगा 5x। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है। 5x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैंने कर दिया है 20। सपोज सपोज नहीं, यहाँ पर अगर आप वाई की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये 2 जो है इधर -2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 20। तो वही डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, 5x इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो एक्स की वैल्यू 4 आ गई है। तो ये वाला जो है हमारा मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया, राइट, आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा स्टेप बनाए हमने, ठीक है। बट मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। अगर मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दूँ, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर दूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में मैं जैसे ही देखूँगा वाई की वैल्यू निकालनी है, मैं वाई लिखूँगा, ठीक है, वाई लिखूँगा और ये वाला हाइड कर लूँगा मैं, 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, माइनस में इसकी इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो कितना हमको मिलेगा, 25 माइनस का 44। कई लोग ये भी जो है कैलकुलेशन -19 लिख देते हैं डायरेक्ट, ये भी नहीं लिखते हैं, बट मैं आपको अभी इनिशियल स्टेज में ये बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग किसको ऐड करेंगे, ये 5 एंड 22 कॉन्स्टेंट वाला, इसको ऐड करेंगे, राइट। तो ये हो गया 25 माइनस 44, एंड अपॉन में इसको हमने हाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई होगी -3 की 5 से, सो एंड इसकी और इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ये माइनस का, देन माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ गया, -19, और अपॉन में -19, ठीक है। तो बस यहीं पर आपकी वाई की वैल्यू आ गई 1, और एक्स की वैल्यू तो आप ओरल निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर ये वही मैंने बताया था, 2 रखा आपने, या इस बार मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप 1 रखेंगे वाई की वैल्यू, -3 आएगा, इधर आएगा -3, तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा, और
ये देखिए 8 हो जाएगा, फिर से बता देता हूँ, देखिए 1 हो 3 बन जा 3 हो जाएगा, -3 प्लस इधर हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा जिसमें आप जल्दी से कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ओरल तरीके से भी आप कर लेंगे, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब इसी को अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने तो बोला इक्वल का, इक्वल के जो क्लोज होगा जो कि एक्स है, इसमें मैंने ले लिया, लास्ट टाइम वाई लिया था मैंने पहले, इस बार एक्स ले लिया। अब हम लोग एक्स के लिए फॉर्मूला सेम लगा देंगे, अल्फा अपन अल्फा वाला। ठीक है, मतलब पहले यही वाला टर्म हाइड करना है हमको, ये हाइड कर दिया, 5 2 10 माइनस करेंगे 22 3 30 66, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस एक हम लेते ही हैं और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हाइड करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, पहले हमने ये हाइड किया, इसका पहले लिख लेते हैं, इसको हाइड करने से क्या आएगा, 5 की 2 से माइनस करके 22 की 3 से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 5 2 जा आ गया आपका 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 66। समझ गए ना, ये माइनस ये वाला है और ये, तो ये हो गया आपका। फिर इस बार क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम में कांस्टेंट वाला ये जो टर्म है इसको ऐड कर लेंगे, इसकी इसकी करा देंगे, इसकी इसकी करा देंगे मल्टीप्लाई, राइट। तो ये अल्फ़ा होता है, ठीक है, ये अल्फ़ा होता है नहीं, ये पहले कराते हैं इसकी, तो 2 2 ज़ा 4, फिर से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 2 2 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4 कराएंगे, ये अल्फ़ा ऐसे बनता है, इसलिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 और 3 की 15 आएगी माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस आ जाएगा आपका 15। समझ में आ गया होगा ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 76 आ जाएगा, हमारे पास 90 आ जाएगा, और ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यही अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है 4, 5 4 20 हो गया, 20 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, 4y इज इक्वल्स टू, ये 2y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, 2 बच जाएगा, यानी y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि इस वाले फॉर्मूले में आप y इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा निकाल लीजिए, y वाई आप यहाँ पर जो कोफिशियंट होगा वाई का होगा तो वाई निकाल लीजिए, एक्स का होगा तो एक्स निकाल लीजिए। अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको पलट दिया, 2x-3y को मैंने लिख दिया -3y+2x। ठीक है, -3y+2x लिख लिया, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वाई की नहीं चाहिए थी। 5x+2y को हमने लिख दिया 2y+5x। ठीक है, क्या लिख दिया, 2y+5x। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर चाहिए हो आपको तो आप इसको पलट के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको दोनों वैल्यू चाहिए, एक्स एंड वाई दोनों की चाहिए हैं, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए प्रॉपर तरीके से, अल्फा अपॉन अल्फा वाला, वाई की वैल्यू निकालिए, देन वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए कहीं पर भी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सो अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक बोट एंड स्ट्रीम जो है, बोट एंड स्ट्रीम, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कैसे यूज़ हो रही है हमारी यही वाली ट्रिक जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा वहां पर। ठीक है, तो अगर सेकेंड क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पर वाई निकालता हूँ, सो वाई इज इक्वल्स टू, अगेन हम क्या करेंगे, अल्फा अपॉन अल्फा लगाना है हमको, सो ये हम पहले वाई वाला हाइड कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे, और इसकी 13 3 ज़ा, ये अल्फा अपन अल्फा माइनस का 13 3 ज़ा 39 माइनस 18 2 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा 39 माइनस 36, 39 माइनस 36 आ गया। होप ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर देखिए अल्फा अपन अल्फा लगाया, वाई को ऐड कर लिया, अल्फा अपन अल्फा लगा, 13 3 ज़ा 39 एंड 2 18 10 जाएगा, 36 आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया ऊपर। अब अल्फा अपॉन अल्फा लगाना है, तो इस बार हमने कांस्टेंट वाला हेड कर लिया, और यहाँ इसका और इसका ऐसे लगा दिया अल्फा अपॉन अल्फा,
सो 3 3 ज़ा 9 माइनस का 4 2 ज़ा 8, सो आपका आ जाएगा 9 माइनस 8। तो ये वैल्यू जो आई है हमारी 3 एंड 1, सो वाई इज इक्वल्स टू 3 हमारा सॉल्व होकर आ गया। अब हमें वाई इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर अगर रखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और 12 हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे आके, तो इधर 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा ना, सो 3x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। फिर से देख लीजिए, y की वैल्यू 3 आ गई थी, 3 अगर ऊपर रखेंगे हम, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 अगर यहाँ माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये चीज़ आपको ओरल करनी पड़ेगी, 4 आ जाएगा, और 4 फिर आप 2 डिवाइड कर देंगे 4 में, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप कुछ चीज़ें जो हैं सॉर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें आप ये देखिए, जैसे कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, फिर से हम वही करेंगे, y इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा यूज करने वाले हैं। तो पहले हम y वाले ही टर्म को हाइड करेंगे, और अल्फा यहाँ एंड अल्फा यहाँ करेंगे, 22 और 2 टाइम 44 हो जाएगा, 44 माइनस ये 11 एंड 5 की मल्टीप्लाई होती है 55। ठीक है, तो 22 टू ज़ा 44 माइनस 55, तो ये हम कर लेंगे, 44 माइनस 55। नेक्स्ट आएंगे अल्फा, ये हाइड करके हो गया। अब हम किसको हाइड करते हैं, कांस्टेंट वाले को, ये इसको कर देते हैं हाइड। इसको जब हाइड करेंगे तो अब हमारे पास अगेन अल्फा अपॉन अल्फा लगेगा, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 5 3 ज़ा 15, 4 माइनस 15 हो जाएगा, सो 4 माइनस 15 हो जाएगा, राइट। ये अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमको ऊपर मिलता है 11 एंड अगेन अपॉन में मिलता है माइनस का 11, ऊपर भी माइनस का 11, अपॉन में भी माइनस का 11, सो y इज इक्वल्स टू 1 हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब जो ये y इज इक्वल्स टू 1 है, ये जब हम पुट करते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, सिंपली अगर यहाँ करते हैं हम, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस का 3 कर देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 कर देंगे जब इसमें, तो 8 आ जाएगा, और 8 को हम लोग 2x से सॉल्व कर सकते हैं, क्या 2x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे 3 तो 8 आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया है, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 आ गई है। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल्स टू 1 ऊपर रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, यानी 5x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 4 टाइम ले जाएंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं भी पुट कर सकते हैं आप। सो ये आप अल्फा अपॉन अल्फा से डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कई बार क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग, इवन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि y इज इक्वल्स टू, आप ऐसे गए, ठीक है, आपने ये वाला हाइड किया, ठीक है, y इज इक्वल्स टू आप ऐसे गए, आपने ये वाला हाइड किया, y वाला, ठीक है, ये वाला हाइड किया, और सीधे आपने ये मल्टीप्लाई करा दी, ये 22 2 ज़ा 44 एंड माइनस 55, सो आपने डायरेक्ट माइनस का 11 रख दिया। इवन मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब ये सॉल्व करने होते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। फिर कांस्टेंट वाला हाइड करेंगे, आपको डायरेक्ट करना होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो अगेन 4 माइनस 15 कितना, माइनस का 11। सो एक स्टेप में y की वैल्यू आपकी 1 आ गई, अगेन नेक्स्ट स्टेप में आपने x रखा, 1 यहाँ पर रख दिया, 1 3 1 ज़ा 3 इधर 8 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8, सो आपका x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है बोट एंड स्ट्रीम का। कई बार हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है ये वाला प्रोसेस बोट एंड स्ट्रीम में, सो अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये
अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी तक जितनी बार भी बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ये दो फॉर्मूले जो हैं यही यूज़ किए हैं। एक तो ये डी इज इक्वल्स टू, मतलब डाउन स्ट्रीम जो होती है वो, ठीक है, डाउन जो आपकी जाती है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जो होती है स्पीड वो क्या होती है, बी बोर्ड की प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, बोर्ड की जो होती है ये वाली, और ये आपकी बोर्ड की, और ये एस वाला। ठीक है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई। क्या होता है, अप स्ट्रीम में बी माइनस एस कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में बी प्लस एस कर देते हैं, बोर्ड की और स्ट्रीम की ऐड कर देते हैं। तो बस अभी तक मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम में पूरे में सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज़ किए हैं, और दो फॉर्मूले की का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड एंड स्ट्रीम का सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कई सारे हमारे लोगों के पास क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जिसमें हमें क्या मिलता है कि ये दे रखा है टाइम। ठीक है, क्या होता है, कई बार क्वेश्चन होता है कि अगर अप स्ट्रीम में हम लोग 25 किलोमीटर जाते हैं और 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में वापस आते हैं तो टोटल टाइम 7 आवर लगता है, 7 आवर। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा नेक्स्ट में, अगर हम लोग 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हैं, 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो हमको टोटल 11 आवर लगते हैं। अब हमें यहाँ पर यू एंड डी, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता है। ठीक है, अच्छा ये 7 जो है ये आवर है, ठीक है, 7 आवर। तो अब मैंने क्या यहाँ पर लगाया था फार्मूला, मैंने टाइम के लिए फार्मूला लगा दिया। टाइम इज गोज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस जो हमें 25 किलोमीटर दे रखी थी ये मैंने फार्मूला लगाया था, और अप स्ट्रीम में है तो अपॉन यू कर दिया था। सिमिलरली मैंने क्वेश्चन में ये दे रखा था, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बना ली है। फिर 26 जो है ये क्या थी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी, सॉरी डाउन स्ट्रीम में ये इतना किलोमीटर जाता है यानी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी आपकी डी डाउन स्ट्रीम की, और इज इक्वल्स टू 7 आवर लग रहा है। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट वहाँ से जो इक्वेशन बनेंगी वो बना ली है। ठीक है, तो काफ़ी बार जो है इस तरीके की इक्वेशन आती हैं, बहुत बार सॉल्व करनी पड़ती हैं, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड जो अभी मैंने बताया उसको यूज़ करके। राइट, सो इसमें अल्फा अपॉन अल्फा के लिए मैंने क्या बताया था कि जो इक्वल होता है उसके पास जो होता है, जैसे कि डी है उसको यूज़ करते हैं हम लोग निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे 1/d इज इक्वल्स टू, यहाँ लगाएंगे हम लोग अल्फा अपॉन अल्फा। राइट, ऐसे लगेगा यहाँ पर। तो ये अब हमें 1/d क्यों आया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि इक्वल के जो क्लोज में होता है, तो यहाँ पर 26 जो है इसका, इसके साथ में जो वेरिएबल है ये डी नहीं है, 1/d है, क्योंकि ये अपॉन में है ना इसलिए, तो ये 1/d हो जाएगा। ऐसे ही 52/d जो लिखा है ये, इसके साथ में क्या, इसको कैसे कर सकते हो, 52 × 1/d। राइट, तो ये पूरा वेरिएबल डी नहीं है, 1/d है, तो इसलिए फॉर्मूले में भी जब हम लोग रखेंगे तो 1/d रखेंगे, क्योंकि कई बार जो है हम लोग जब सॉल्व करते थे अगर जैसे 52y लिखा है तो वाई ही होता है, बट यहाँ पर 52/d है तो ये हो जाएगा 1/d। तो अब हम लोग 1/d करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे पहले 7 की 35 इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी। अच्छा ये मत सोचिएगा कि 35 की मल्टीप्लाई 7 से हो रही है, 1/35 ही क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 35/u लिख रखा है। ठीक है, तो 35 जो है वही इसका कोफिशियंट है 1/u का, इसको कह सकते हो ना आप। चलिए मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, 25 है ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/u प्लस 26 है आपका, ये 1/d है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझने में इजी पड़ेगा, और ये हो गया 7। सिमिलरली 35 है आपका, 1/u हो जाएगा, प्लस 52 है आपका, एंड आपका 1/d हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने में आपको इजी लगेगा। और अब हम यहाँ पर 1/d के लिए अल्फा अपॉन अल्फा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा अपॉन अल्फा लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले अगर ये 1/d निकालना है तो पहले इसी को हाइड करेंगे आप, इस वाले पोर्शन को हाइड करेंगे, इसको हाइड कर लीजिए,
और आप मल्टीप्लाई करा दीजिए किसकी, इसको जब हाइड कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, ये ऐसे होता ना अल्फा, तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 से, माइनस में ये 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 से, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको हाइड करेंगे 7 की 35 से 11 की 25 से। तो पहले 7 की 35 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 245 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 3 करेंगे तो 24, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा दी 7 की 35 से माइनस 25 की 52 से कराएंगे, तो 25 की 52 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर कराते हैं तो कैसे करा सकते हैं, ये एक तरीका होता है, इसको अगर आप 4 दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इससे अगर 4 ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 25 और 52 की मल्टीप्लाई 1300 आ जाएगी। बाकी आप अपने नॉर्मल मेथड से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/d वाले में इसको हाइड कर लिया, 7 की 35 से करा ली 245, और 11 की जो मल्टीप्लाई है वो 25 से करा ली, देखिए सॉरी सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, जब हम इसको हाइड करेंगे तो हम 7 की 35 से कराएंगे एंड 11 की 25 से कराएंगे, तो ये वो नेक्स्ट स्टेप में कराना पड़ेगा 52 की, वो मैंने पहले ही कर दी, वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें 1300 नहीं आएगा, 7 की 35 से ऐसे अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होगा, ठीक है, 7 की 35 से 245, अब 11 की करानी थी 25 से, ठीक है, तो वो नेक्स्ट में होगा जो कराना है मुझे, 11 की 25 से कराता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 275 आ जाएगा, ठीक है, 275 याद रखना, 11 की मल्टीप्लाई कराई गई है 25 से, ठीक है, तो आ जाएगा 275, फिर से लिख देता हूँ उसको मैं 275। तो ये 1/d वाला हाइड किया था, अब हम हाइड करते हैं ये 7 एंड 11 वाला, ठीक है, ये कांस्टेंट वाला, अब ऐसे अल्फा होगा 26 की मल्टीप्लाई 35 से होगी, नेक्स्ट स्टेप में 52 की मल्टीप्लाई 25 से होगी, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये मैंने जो पहले करा दी थी यही मिस्टेक हो गई थी मेरी, ठीक है। तो अब 26 की 35 से कैसे होती है, तो 35 को हम लोग 2 टाइम कर देंगे, 26 को हम लोग हाफ कर देंगे, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 910, 910 एंड माइनस का कितना हो गया, माइनस का आप इसकी इसकी करा दी मैंने, अब इसकी इसकी करा देंगे, देखिए 1300 आया था ना हमारा, बस वो अब यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 40 ऐसे, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 90 यहाँ दे दिया एंड 390 ये माइनस का आ जाएगा। सो 1/d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 मिनट भाई साहब, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा 40 की जगह पे 30 आएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर 24 और ये जाएगा यहाँ से 550 हो गया, फिर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, तो वही है थोड़ा सा इशू हो गया था इसमें, बाकी 390 नीचे सही है, तो ये आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू 13 आ गया यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका डी का, ठीक है। तो ये मैंने 1/d निकालने के लिए क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर पहले इसको हाइड किया 7 की 35 से मल्टीप्लाई, देन माइनस करके 11 की 25 से मल्टीप्लाई ऊपर आ गया, फिर हमने कांस्टेंट वाला हाइड कर लिया 26 की 35 से मल्टीप्लाई माइनस 25 की 52 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया नीचे वाला, देन इसको सॉल्व करके 1/d आया एंड डी की वैल्यू 13 आ गई।
अब ये डी की वैल्यू 13 हम रख देंगे यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में। जैसे अगर सपोज करते हैं हम डी की वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखते हैं तो 25 1/u ये है, और यहाँ पर डी की वैल्यू अगर 13 रखते हैं आप तो 13/u हो जाएगा। 13 2 कितना आ जाएगा 26, तो समझ लीजिए जो आपका ये 2 है वो इस तरफ आ जाएगा, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, डी की वैल्यू 13 रखी तो ये 13/u में आ जाएगा, ये 2 टाइम कट कर देगा और ये 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट 5 मैंने कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही सीखना पड़ेगा आपको भी अगर फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अब क्या होगा, 1/u इज इक्वल्स टू 5/25 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, एंड u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो अप स्ट्रीम जो है 5 आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम जो है 13 आ जाएगी। इससे आप बोट भी निकाल लेंगे, स्ट्रीम भी निकाल लेंगे, सारे ही निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता रहता है बोट एंड स्ट्रीम में, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/d निकाल लेंगे, देन उसकी वैल्यू बोट कर देंगे, d की वैल्यू u आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर फास्टेस्ट मेथड आपको बताया है, बेस्ट ट्रिक बताई है आपको, बेस्ट ट्रिक जो आपको मैंने बताई है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के लिए, अगर आप जो है हमारे जो है रिस्पॉन्स हमको अच्छा देते हैं, लाइक करते हैं हमारे वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे मैं इसी तरीके से जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए मैं लाया हूँ बेस्ट ट्रिक्स, इसी तरीके से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी बेस्ट ट्रिक्स लाने वाला हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल, और ऑब्वियसली जब बेल आइकन दबा देंगे तो आपसे ये होगा आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पर भी सेम तरीके से आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।